देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। प्लीज तुम यहाँ आने के बारे में मत सोचना, वो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम यहाँ बिल्कुल बिल्कुल मत आना प्लीज। ये छवि इतनी धीरे धीरे किससे बात कर रही है? कहीं अक्षय ये सामान और पैसे भेजकर छवि का दिल तो नहीं जीतने की कोशिश कर रहा? तेरे पापा का फोन आ रहा है। फोन क्यों करा है तुझे? हमें नहीं पता। तेरे पापा तुझे फोन करते हैं और तुझे पता ही नहीं क्यों करते हैं। छुपा रही हो हमसे कुछ? तो इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हम कहाँ परेशान हैं? अक्षय फिर से इसके नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। आखिर चाहता क्या है वो? और कुछ तो है जो छवि हमें बता नहीं रही। कहीं वो सामान और पैसे अक्षय ने तो नहीं भिजवाए थे? हमें ही अब पता लगाना पड़ेगा कि ये सब क्या हो रहा है। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? पता है कितनी तकलीफ में थी वो? अरे जिसने तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की जान की परवाह नहीं की और तुम उसी को बचा के कितनी फूली जा रही हो। ए, ए, एक मिनट कोई आ रहा है। दादी मैं ना आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ। क्या हम प्लीज दिशा आशा छवि को लंच पे इनवाइट कर सकते हैं? प्लीज दादी आप बोलेंगे ना तो वो मना भी नहीं करेंगे। प्लीज। हाँ पहले जाके उस नागे मेरा मतलब है मोहिनी से पूछना पड़ेगा ना। क्या वो भी उन्हें परिवार समझती है या नहीं? ठीक है दादी मैं अभी जाके मॉम से बात करती हूँ, वो पक्का मान जाएंगी। दरवाजा बंद कर देना। अरे उस नागिन की बेटी आई थी। कैसी बातें करती हैं आप? हम मिले हैं निया से। बहुत प्यारी बच्ची है। अभी प्यारी लग रही है पर उसको लक्षण के लक्षण तो छुपे होंगे ना कहीं ना कहीं। जिस दिन असली रंग दिखाएगी ना उस दिन पता चलेगा। माँ की परवरिश का कहीं ना कहीं तो असर होगा ना उस पर। ऐसा नहीं होता है माँ। अगर ऐसा होता ना तो आपके लक्षण आपके बेटे में भी दिखते, सारे टंटे खत्म हो जाते। अच्छा अम्मा आपको हमने वो सामान और 40,000 रुपए के बारे में बताया था ना, हमको ऐसा लगता है कि ये सपना अक्षय ने किया और छवि इसके बारे में जानती है। सवाल ही नहीं पैदा होता, इतना करण भी नहीं है वो। अगर जेब से 4 पैसे खर्च किए होते ना तो 8 बार हमें बता चुका होता। तो अम्मा अगर ये नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? थैंक गॉड डैड आप आ गए। क्यों? देखिए ना मैं आशा दिशा छवि को लंच पे बुलाना चाहती हूँ और मॉम अग्री नहीं कर रहे हैं। निया जब मैं कह चुकी हूँ देन व्हाई यू सेइंग एनीथिंग टू योर डैड? हां मोहिनी रिलैक्स, निया बड़ी हो चुकी है। वो उन तीनों बच्चों के साथ कैसे इक्वेशन रखना चाहती है, किस तरह के रिश्ते रखना चाहती है वो ये खुद डिसाइड करेगी। इरा, तुम्हें जो करना है वो करो, बस मुझे लग रहा है कि मामा की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है तो 2-3 दिन रुक जाओ, बाद में बुला लेना घर में। थैंक्स डैड, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। लव यू डार्लिंग। और मॉम अपनी दवाई ले लेना। आई विल। अक्षय आओ।
उस दिन जो छवि ने कहा, आई डोंट थिंक तुम उसे डाइजेस्ट कर पा रहे हो। आपको लगता था कि आप कुछ भी कर लेना आपकी गुड़िया आपसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ेगी। आपने हमारा विश्वास तोड़ा है, आज के बाद हम भी आप पर विश्वास नहीं करते। तभी तो हमारी बेटी को यूज करे उसके नजदीक जाने के लिए। Oh, come on. मुझे छवि के करीब जाने के लिए किसी को यूज करने की जरूरत नहीं है। निया की तरह वो भी मेरी बेटियां हैं, और अगर मैं अपनी बच्चियों को इस घर में बुलाना चाहूं तो मुझे कोई रोक भी नहीं सकता है। ये टेक है। अक्षय, तुम अपनी बेटियों के साथ क्या करते हो आई रियली डोंट केयर, बट निया को मैं उनके पास जाने नहीं दूंगी। वो अपराजिता और उसकी बेटियों से दूर रहेगी, एंड आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। गुड लक विद दैट। वॉच मी। ये लीजिए। थैंक यू। चाहता हूं छवि, 2 बजे, प्लीज मना मत करना। नहीं नहीं, हमें लॉन्ड्री पर रहना है, हम कहीं नहीं आ पाएंगे। छवि, आपको आज लॉन्ड्री के लिए इन्वेस्टर से मिलने जाना है ना? तुम कॉलेज नहीं गई? हाँ, वो दिशा और आशा गए हैं ना कॉलेज, और आपको मीटिंग के लिए जाना था तो हमने सोचा हम काउंटर संभाल लेते। अरे बेटा, आधे घंटे की मीटिंग है हमारी, अभी गए अभी आ जाएंगे, और तब तक गुगुआ है ना यहाँ पर, वो देख लेगा लॉन्ड्री। तुम कॉलेज जाओ, और वैसे भी पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम्हारे कॉलेज की बहुत सारी छुट्टियां हो गई, इसलिए जाओ बेटा जाओ। चली जाओगी ना तुम? क्या हुआ? देखो बेटा, इस बार तुम्हें पास होना है, दुनिया के लिए नहीं अपने लिए। हम जानते हैं ना कितने दिमागदार हो तुम, मन लगा के पढ़ोगी ना तो पास हो जाओगी, ठीक है? अरे क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, बस मन नहीं करता उस कॉलेज में जाने का। हमारे साथ वाले लोग नेक्स्ट क्लास में चले गए, और हमें दिशा की क्लास में बैठना पड़ता है। अजीब सा लगता है सबसे नजरें मिलाते हुए, मजाक उड़ाते हैं हमारा। ये बात तो है, दुनिया का कोई काम धंधा नहीं है उन लोगों को, खुद का घर नहीं देखते, हम लोगों को बोलते रहते हैं। पता है हमको भी कितना बोलते हैं, हमें काम करते हैं हम ना, वो जो भी हमसे कहते हैं ना हम एक पेपर पे लिख देते हैं सारा का सारा। सब लिख देंगे ना तो मन हल्का हो जाएगा। पहला, इसका पति इसे छोड़कर भाग गया। दूसरा, अनपढ़ है ना बेचारा, क्या करता। तीसरा, देखो तीन तीन सिर्फ लड़कियां ही पैदा की हैं। चौथा, दूसरी बीवी कितनी सुंदर है इसकी, इसीलिए तो छोड़कर गया है इसे। पांचवा, घर से निकाल दिया इसको और इसकी बेटियों को। छठवा, कितनी बेशरम है, घर से निकाल दी गई पर उनके घर के सामने। अरे हटो, अभी और है हमको लिखने के लिए, तुम अपना लिखो। लिखी तुम? तुमने नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ लिखने के लिए है ही नहीं। बस एक बात है कि तुम फेल होती हो, और हमारे पास देखो इतना लिखने को है कि लिखने बैठ गए ना तो मीटिंग छूट जाएगी, पर ये खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम किसी से नजरें नहीं चुराते, उन्हें चिढ़ाने की ताकत तभी तक मिल सकती है ना जब तक हम पर असर होगा। जब हम पर असर ही नहीं होगा तो चिढ़ा कर क्या कर लेंगे, एक दिन खुद ही रुक जाएंगे। बेटा, हमारे चौखट के अंदर वही आ सकता है ना जिसको हम आने देंगे।
जिसे नहीं आने देंगे वो कैसे आएगा? दिमाग में मत आने दो किसी को, बाहर ही रखो, समझी? और तुम कॉलेज जाओ, जाओगी ना? हम कॉलेज जाएंगे माँ, जरूर जाएंगे। ठीक है, तुम कॉलेज जाओ, गुगु आ जाएगा अभी। हाँ चलते हैं। इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन, आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा मेरी टीम को, पर मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगा आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोच। हर साल आपकी कंपनी ने धीरे धीरे ही सही ग्रोथ किया है, इसका मतलब लोग आपके साथ रेगुलर काम करना चाहते हैं। मैं जल्द ही अपनी टीम को आपकी लॉन्ड्री पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजूंगी। जी बिल्कुल, फॉर्मेलिटीज पूरी होते ही वी विल गो अहेड। हम अपनी बेटियों के साथ मिलकर ना बहुत मेहनत करेंगे, आपको ना बहुत गर्व होगा हम पर। अपराजिता जी एक बात कहूँ, आप बहुत ही इमोशनल किस्म की लेडी हैं, बट बिजनेस में इमोशंस नहीं चलते। हमारी तो बिजनेस की नींव ही इमोशन है मैडम। हमने लॉन्ड्री ना अपने बच्चों के लिए खड़ा किया था, अब उनके भविष्य के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, इसे बड़ा करना चाहते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट टू यू। कॉलेज में हो ना, राइट? मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, प्लीज कोई बहाना बनाकर इनकार मत करना। ओहो डॉक्टर साहिबा, आप यहाँ कॉलेज कैंटीन में? डॉक्टर, तुम इसे डॉक्टर क्यों कह रही हो? ये तो पढ़ती भी नहीं है। अरे तुम्हें पता नहीं है, इसने पीएचडी कर रखी है एक ही क्लास में रहने की। अरे 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 अरे, बहुत हार्ड वर्किंग है बेचारी। हार्ड वर्किंग? और ये? और नहीं तो क्या, पूरा दिन रात अपनी दोनों छोटी सिस्टर के साथ कंप्लीट करने में लगी रहती है ये। पहले उनसे आगे थी, फिर दूसरी वाली के साथ हुई, और अब तीसरी और सबसे छोटी सिस्टर के साथ उसकी क्लासमेट बनने में हार्ड वर्क कर रही है ये। हाँ हाँ अम्मा जरूर, मिठाई ले आएंगे हम। हाँ और सीढ़ी लगाकर ऊपर खिलाने आएंगे आपको। ठीक है अम्मा। अरे तुम्हें पता नहीं है, इसने पीएचडी कर रखी है एक ही क्लास में रहने की। बहुत हार्ड वर्किंग है बेचारी। हार्ड वर्किंग? हार्ड वर्किंग और नहीं तो क्या, नहीं तो क्या, पूरा दिन रात अपनी दोनों छोटी सिस्टर्स के साथ कंपीट करने में लगी रहती है। पहले उनसे आगे थी, फिर दूसरी वाली के साथ हुई, और अब तीसरी। क्या? अरे हमारे पास बहुत अच्छी खबर थी, सोचा लंच टाइम में कॉलेज आऊं और तुम लोगों को बता दूं। हमको इन्वेस्टर मिल गया। छवि कहाँ है? छवि थी तो आज कॉलेज में ही नहीं दिखी। और अब तीसरी और सबसे छोटी सिस्टर के साथ उसकी क्लासमेट बनने में हार्ड वर्क कर रही है।
नहीं बेटा, कॉलेज आई थी, हमको बोली थी वो कॉलेज जा रही है, और हम गुफरान को भी फोन किए थे, उसने कहा कि कॉलेज गई है। मैं छवि दी को कॉल करती हूँ। नहीं बेटा तुम रहने दो, तुम लोग जाओ क्लास में जाओ, हम देखते हैं यही कहीं होगी। नहीं मम्मी, हम भी आएंगे आपके साथ में। और वैसे भी हम लोगों के आज का लेक्चर पोस्टपोन हो गया है, और छवि दी अगर आज कॉलेज आ गई तो हमें दिखी ही नहीं कहीं। आखिर गई कहाँ पर? छवि, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है कॉलेज में, तो कॉलेज छोड़ क्यों नहीं देती? कैसे छोड़ दूँ? माँ चाहती है कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर इंडिपेंडेंट बने। उनका सपना ये हम तीनों को पूरा करना है। हाँ तो सपना पूरा करो, मैंने कब मना किया? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि ये वाला कॉलेज छोड़कर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, सिंपल। इतना आसान है क्या? ऑलरेडी माँ कितने सारे पैसे दे चुकी है इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। अब दूसरा कॉलेज मतलब और पैसे। तुम पैसों में टेंशन क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा दूसरे कॉलेज में, और फीस की टेंशन तो तुम बिल्कुल करो ही मत। अच्छा, और माँ से क्या कहेंगे, किसने किया एडमिशन, फीस किसने दी? चलो ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं खुद आंटी जी से मिलूंगा। तुम मिलोगे माँ से और वो मान जाएंगी? माँ कभी नहीं मानेगी, ऊपर से तुमने 40,000 और भेज दिया। अगर माँ को पता चलेगा कि ये पैसे कहाँ से आए तो हमारा मतलब है, ये क्या कर रहे हो तुम? हमारी कॉफी में इतनी सारी शक्कर, तुम्हें पता है तुम जितनी स्वीट हो ना, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बातें भी उतनी स्वीट हो। तब से यही बोली जा रही हो कि माँ क्या सोचेंगी, माँ तुम्हें लाइक नहीं करती, माँ ये माँ वो। मैं चाहता हूँ कि तुम ये शक्कर वाली कॉफी पीकर ना कहो कि पीर माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है आरती की थाली लेकर। ये जो तुम्हारी स्माइल है ना, ये मेरी आंखों ने कैप्चर कर लिया, और मैं इसे कभी डिलीट नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। तुम्हें एक डेयर करना होगा। किस करना होगा तुम्हें मुझे? क्या हुआ छवि? छवि दीदी का फोन बंद है। सर, आपके इस 20% इन्वेस्टमेंट के बाद हम मार्केट का 40% कैप्चर कर पाएंगे जस्ट विद इन 2 years. आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील। यू जस्ट एक्सक्यूज मी। हेलो, वीडियो कॉल क्यों किया तुमने मुझे? देखने के लिए फोन किए। क्या? हमारी बेटी कहाँ है? छवि कहाँ है? आपके साथ है ना? छवि मेरे साथ क्या कर रही होगी? देखिए, हमारी बेटी हमसे कभी झूठ नहीं बोलती थी, आपकी वजह से अब वो झूठ बोलने लगी है, हमसे चीजें छुपाने लगी है, वो
कॉलेज के लिए निकली थी, कॉलेज नहीं गई, कहाँ गई होगी? नहीं बताइए कहाँ गई होगी, आप ही के पास आई होगी ना, आपने बुलाया उसे। और कल हमारे दरवाजे पे जो सामान और 40,000 रुपया छोड़ कर गया था वो आप ही थे ना? अब बताइए हमारी बेटी कहाँ है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, डॉक्टर को जाके दिखाओ पहले तुम। और क्या छवि मेरे साथ क्या कर रही होगी? मैं मीटिंग में बैठा हूँ, मीटिंग में बैठा हूँ मैं। ये देखो छवि यहाँ पर नहीं है। और क्या पैसों की बात कर रहे हो? क्या सामान, कौन सा सामान, मैं नहीं जानता कुछ भी। अगर अक्षय ने नहीं किया तो फिर किसने? और तुम हमेशा अपने दिमाग के घोड़े मेरी तरफ क्यों दौड़ाती हो? पहले जाके पता लगाओ मेरी बेटी है कहाँ। बड़ा कहती रहती हो ना तुम, हमने परवरिश की है, हमने पाला है, हमारी बच्ची को हम जानते हैं। कहाँ है फिर तुम्हारी बच्ची? पता दिया तुमको? हम पता कर लेंगे अपनी बेटी का, इस वक्त आपके तानों की जरूरत नहीं है। तो रखो फिर फोन। सर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद वी विल बी लीडिंग द मार्केट। मैं देख के आता हूं यार, वो अपराजिता के भरोसे नहीं बैठ सकता मैं। छवि कहीं गायब हो गई है, ये मीटिंग थोड़ा बाद में करेंगे। I'm really sorry about this. I'll see you later. अक्षय भाई ये तो क्या कर रहा है यार, इतने दिनों के बाद इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, I'm sorry. मम्मी छवि दी वापस किसी बात पर अपसेट तो नहीं होंगे? वो हर बार मंदिर जाते हैं, इस बार भी गई होंगी, मैं देखकर आती हूँ। न जाने कहाँ चली गई छवि, कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में, पता लगाना पड़ेगा कि हुआ क्या है छवि को।